हेलो तो फ्रेंड्स राधे राधे जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो स्वागत है मेरे सी एन एफ फैमिली में तो हमारी ट्रिप पहुंची है अभी कर्नाटका मॉर्निंग हो चुका है मॉर्निंग के बज चुके हैं साथ और देख सकते हो आप लाइट सब भी अभी ऑन ही है अभी तक लाइट गई नहीं है लेकिन सनराइज हो चुका है तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कर्नाटका और कर्नाटका में हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी सबसे पहले मुझे जाना है हम्पी घूमने हम भी हम्पी एक बहुत ही अच्छी जगह है ऐतिहासिक जगह है तो वहाँ पे हमें जाना था देखना था हमें लगा कि चलो ठीक है कर्नाटका हम लोग पहुँच ही गए हैं तो इधर हम्पी का ट्रिप कर लेते हैं तो इसलिए हम लोग अभी हम्पी के लिए निकल गए हैं और अभी हम भी तो दूर है यहाँ से दो तीन सौ किलोमीटर है अभी हम लोग इतना ही दूरी तय किया है यहाँ से दो तीन सौ किलोमीटर और जाना है हमें दस ग्यारह बज जाएंगे हम भी पहुँचते पहुँचते तो चलिए हम लोग चलते हैं हम भी देखते हम भी कैसा है और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आयु भी सो के उठने के मूड में है आयु भी उठ गया है लग गए तो यहाँ पे मैंने अपना आवाज़ म्यूट कर दिया यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी वो बोल रहे थे कि हम लोग हम्पी के बाद नेक्स्ट चलते हैं जॉय फॉल एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है तो हो रहा था कि हम लोग वहाँ भी चल लेते हैं फिर वहाँ से हम लोग केरल वगैरह कन्याकुमारी वगैरह होते हुए दस दिन का मैं छुट्टी ले लेता हूँ और उधर घूम के आते हैं बट मैं मना कर रही थी उनको गुड मॉर्निंग बेटा उठ गया आ, दोनों भाई उठ गया चौके कहा पहुंचा आयु भैया बेन आयु क्या पूछ रहा मैं कहाँ पहुंचा भैया कहा पहुँच आयु आयु पहुंच गया कर्नाटका हाँ। आयु राजा गुड मॉर्निंग हुई ना कर्नाटका में सोया था महाराष्ट्र में उठा है कर्नाटका में हाँ। बाप का चला गया कर्नाटका या फिर तू गाड़ी से पहुँचा गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेद डांस कर रहा है बैद बोला मम्मा मुझे गाना लगा दो मैं डांस करूँगा खूब सारी मस्ती चलती है में। आप देखो कैसे डांस कर रहा है गलती से सॉन्ग गाइस तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हमने इडली बड़ा सांबर डोसा ये सब मंगवाया था इधर सीरा भी मंगवाया था वेद को सीरा पसंद है गैज पूरे हाईवे पे कहीं भी मुझे चाय की दुकान तक नहीं मिली हमें चाय पीनी थी मॉर्निंग की वो भी नहीं मिली हम लोगों को तो हम लोग ऐसी मतलब एक जगह मिला कि यहाँ पे खाना मिल रहा है तो हम लोग रुक के वहाँ पे फटाफट से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया वहाँ अच्छा ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन मिल गया तो हम लोगों ने इडली वड़ा ये सब खा लिया अच्छे से ताकि फिर रास्ते में क्या पता कुछ मिले ना मिले तो इसके लिए मैं इधर थोड़ा सा बाहर की हवा खा रही हूँ हमें अच्छा लग रहा है रात भर की थकी हुई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो हम्पी हम लोग पहुँच चुके हैं ये अभी इन कर चुके हैं हम लोग हम्पी में तो यहाँ से हमारी हम्पी जर्नी स्टार्ट गाइस तो हम घूमते घूमते बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गए हैं हम्पी पहुंच गए हैं हम्पी हमें आना ही था और हम्पी बहुत ही अच्छी जगह ऐतिहासिक जगह है यहाँ पे बहुत कुछ जानने को सुनने को मिलता है मतलब हर जो पहले का हुआ हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है जो हमें जानने को मिलेगा तो इसलिए ये शहर मुझे अच्छा लगा चलो मेरे पति ने बहुत ही अच्छी जगह मुझे लेके आए हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है कितना प्यारा है और पूरे रास्ते ऐसे ऐसे व्यू मिलते हैं आप बाई रोड जाते हो तो और भी मज़ा आता है बहुत ही अच्छा लगता है ये हम पी सिटी में हम लोग एंट्री किए हुए हैं तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है कितना साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा वैसे तो कर्नाटका बहुत साफ और अच्छी जगह है ये पूरा धोबी घाट है यहाँ पे मैंने मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे देखा कि ऐसे कपड़े धुलते हैं पूरा आप देख सकते हो धोबी घाट और फिर इधर यहाँ का रोड सब भी बहुत ही अच्छा था एकदम खाली खाली सा और हर जगह आपको मंदिर मंदिर ही दिखेगा यहाँ पे देखो धान की कितनी सारी खेती की गई है यहाँ पे बनाना का पूरा आपको हर जगह बनाना ट्री मिलेगा बनाना का पूरा बागान मिलेगा बड़ा बड़ा और नारियल का और ज़्यादा खेती मुझे लगता है यहाँ पे धान की होती है जो चावल होते हैं ना उसकी और ये देखो ऐसे नदी पानी जैसे बहते रहते हर जगह तभी तो ईजिली यहाँ पे मुझे लगता है धान उग जाता है और ये पूरा जो आपको है ये पिलर सब बना हुआ है ऐसे आ, कब का बहुत पहले का बना हुआ है ये पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे मुझे मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर कोई गाइड पकड़ो और वो आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएगा अच्छे से डिटेल में फिर यहाँ पे घूमने में ज़्यादा अच्छा लगे गई जी यहाँ पे आप ना ठंड में आओ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत तेज़ धूप और बहुत गर्मी है तो इसकी वजह से ना मैं कहीं भी नीचे नहीं उतर पा रही हूँ आयु को लेके क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि ये बीमार ना हो जाए ये डर लग रहा है तो इसलिए हम लोग हर जगह उतर नहीं पा रहे हैं बस ऐसी गाड़ी से ही देख पा रहे हैं हर जगह ये मंदिर वगैरह क्योंकि हर जगह छोटे बच्चे को लेके जाना तो थोड़ा मौसम अच्छा रहे नॉर्मल सा तो ठीक रहता है रोड वगैरह देखो कितना सुंदर है बाय रोड भी घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें और ये देख सकते हो आप पूरा पहाड़ वगैरह बना हुआ है ऐसे पत्थर का ऐसे ही पत्थर यहाँ हर जगह आपको देखने को मिलेगा तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर जगह है दिल खुश हो गया मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मुझे और आयु को लेके मैं उतर नहीं पा रही हूँ और मंदिर में हर जगह तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है बट कोई नहीं हम लोग तो ऐसे घूमते फिरते कभी ना कभी फिर पहुँच जाएंगे तो इसलिए दिक्कत नहीं है फिर अब नेक्स्ट ट्रिप ना मैं इसके लिए स्पेशली बनाऊंगी ठंड के टाइम में ताकि मैं इधर आके अच्छे से हर एक चीज घूम पाऊँ उतर उतर के देख पाऊँ और थोड़ा आयु भी बड़ा हो जाएगा तो मुझे इजी रहेगा ये सब पहाड़ देखो गई कितना सुंदर है कितना प्यारा है बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ऐसे घूमने में मुझे तो बाई रोड ऐसे कार से भी घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था शायद इतने अच्छे से मैं वो उतर उतर के घूमती तो थक भी जाती है और हाँ ये है ये आप देख सकते हो हर जगह मंदिर मंदिर तो उतरना पड़ता है देखना पड़ता है हर चीज़ बट ठीक है ना मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो उतर के ऐसे पूरा देख लूँगी एक बार हम्पी को पूरे अच्छे से रेखी करके जाऊँगी इस बार कि हाँ हम्पी के हर एक कोने में हम लोग अपना गाड़ी घुमा रहे हैं ताकि हर एक चीज़ मैं देख लूँ कहाँ पे क्या क्या है वैसे तो गाइड किसी को पकड़ लो तो और अच्छे से बता देते हैं बट फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम्पी का एक एक कोना छान दें पूरा एक्सप्लोर कर लें अपने हिसाब से हम्पी को तो इसलिए हम लोग ऐसे पूरा घूम रहे हैं कार से ही और हमें होटल भी खोजना है ये देखो पूरा धान की खेती आपको मिलेगी ऐसे तो मैं ऐसे पूरा होटल भी खोज रही हूँ बट पता है गई चार दिन का छुट्टी जो लगातार है ना तो पूरे हर जगह के होटल बुक है मुझे कहीं भी रूम्स नहीं मिल रहे हैं बहुत ही दिक्कत हो रहा है जिनको भी पूछ रहे हो ना कि भैया एक रूम बच्चे की वजह से ही दे दो तो बोल रहे हैं सब ने पहले से बहुत पहले से ये बुकिंग करके रखा हुआ था लॉन्ग विकेंड था तो इसकी वजह से तो एक भी रूम हमें मिल नहीं रहे हैं तो चलिए उतर के कहीं कहीं घूम के देखते हैं कहीं मिल जाए हमें रूम तो हम रुक जाएंगे ये देखो खेती यहाँ पे चल रही है मैं सारे खेती की रिकॉर्ड मैं ना अभी मंदिर वगैरह की रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उतर के नहीं घूम पा रही हूँ बट जितना ऐसे दिख रहा है मुझे अपनी नज़रों से ऐसे खेती वगैरह होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इन सब चीज़ों को कैप्चर कर रही हूँ कैमरे में ताकि मुझे ये मतलब कभी भी मैं ऐसे देखूं तो हम लोग अभी फिर से पहुंचे हैं एक रिजॉर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो बंदर बंदर मतलब ये हनुमान जी का रूप मुझे लग रहा है इसके पूछ देखो कितने बड़े बड़े से आज मैं अभी हम भी पहुँची हूँ आप देख सकते हो मैं पूरी रात ड्राइव की हूँ तो कैसे एकदम से थकावट थकावट सा चेहरा लग रहा है और अभी यहाँ पे रूम्स खोज रहे हैं तो हमें रूम ही नहीं मिल रहे हैं सारे अभी लॉन्ग वीकेंड था ना तो सारे सोल्ड आउट है इधर अभी ये बहुत अच्छा सा रिज़ॉर्ट है तो यहाँ पे सोचा कि चलो यहाँ पे मिल जाएगा पूछती हूँ बट यहाँ भी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन भी कुछ नहीं दिखा रहा है हम लोगों को अभी आप सोचे समझे निकलते हो तो थोड़ा सा इन चीज़ों का दिक्कत हो जाता है बट कोई नहीं देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा गई जी रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा है ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है तो ये यहाँ पे खाना पीना का है तो देख सकते हो आप कितनी अच्छी जगह है कितना सुंदर है और ये ये मुझे अच्छा लगा इनका कैफेटेरिया एरिया बोल सकते हो हाँ कैफेटेरिया है यहाँ पे ना इन्होंने पूरा ये सीटिंग वाले गद्दे लगा के सीटिंग वाले नीचे आ, बैठ सकते हो ऐसे बनाया हुआ है तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे भीड़ भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे देखो इन कॉटेज टाइप का इधर बना रहता है ऐसे सुंदर सुंदर सा घर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और कास की एक रूम मुझे यहाँ मिल जाता बट यहाँ भी मुझे रूम्स नहीं मिले फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और ये देख सकते हो बगल में ऐसे नहर जैसा बना हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में व्यू बहुत सुंदर लग रहा था यार नहीं भी मिला रूम तो भी चलेगा आप देख सकते हो व्यू कितना सुंदर है कितना प्यारा है तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख देख के मुझे खुशी मिल रही थी यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हो तो मिले नहीं नहा धो तो पाई नहीं तो सोचा ऐसे घूम लेती हूँ इसका भी एक अपना ही मज़ा है तो मैं दिखाती थी यहाँ का व्यू कितना प्यारा है कितना खूबसूरत है गैस तो मुझे हम्पी आके बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटी वगैरह भी कर सकते हो मैंने हम्पी का हर एक कोना देख लिया मुझे बहुत पसंद आया मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो मैं पहले से बुकिंग करके आऊँगी और पूरा फिर मंदिर वगैरह घूमूँगी यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था रामायण में जो किसकिंदा के नाम से वे हुआ है ना वो यहीं पे है तेनाली राम भी यहीं कृष्ण राव का जो पहले दरबार था उसमें तेनाली राम रहते थे वो भी यहीं के हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो मैं अभी अच्छे से नहीं जा जा के देख पाई तो मैं नेक्स्ट टाइम आके पूरा अच्छे से देखूँगी अभी तो मैंने पूरे का रेकी कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो क्लेफ जम्पिंग चल रही है कुछ लोग कर रहे हैं बट मुझे तो डर लग रहा है ये गहरा पानी में तो मुझे ऐसे पानी से डर लगता है तो मैंने नहीं किया और यहाँ पे आप देख सकते हो बोटिंग चल रही है ये बोटिंग में भी मुझे डर लग रहा था ऐसे वाले बोटिंग में कि मैं किया और कहीं आयु को लेके मैं गिर गई तो इसलिए मैं नहीं गई ऐसे किनारे पे ही मैं मस्ती कर रही हूँ ताजी हवा खा रही हूँ यहाँ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेज मुझे फिर से दिखे तो मैंने सोचा एक बार पूछती हूँ अगर मिल जाए तो रुक जाऊँगी एक दो दिन बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे सारे बुफ्ड थे तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पूरा करके आऊँगी तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये रोड ट्रिप वीडियो जो बिना सोचे समझे निकल जाते हैं तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू